हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहे हैं कि किसान जो पैदावार करता है उसको रखरखाव की व्यवस्था मिले, कम खर्चे से मिले और उसकी फसल बर्बाद न हो, उसकी गारंटी तैयार हो। सरकार ने सप्लाई चेन में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में मदद करने का फैसला किया है और इसके बाद जो 1,00,000 करोड़ बचेंगे वो देश के किसानों को, फूड प्रोसेसिंग में लगे हुए मध्यम वर्ग के नौजवानों को, गांव में ही कृषि आधारित उद्योगों के लिए अवसर की संभावनाएं में पैदा हुई है। हमारे देश में जितना कृषि का महत्व है उतना ही पशुपालन का है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में पशुपालन के क्षेत्र में आवश्यक प्रबंधन के अभाव में सालाना 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हमने पशुओं की चिंता करना, कामधेनु योजना के द्वारा इन पशुओं का रखरखाव की चिंता करने के लिए, उनके आरोग्य की चिंता करने के लिए एक बड़ा एग्रेसिव काम शुरू किया है और उसके कारण कामधेनु की योजना का लाभ देश के पशुपालक को और जो किसान पशुपालन करता है उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। हम 2 गुना 22 में इनकम करने की बात करते हैं, 80 में 21वीं सदी की बात करना वो तो मंजूर था, लेकिन मोदी अगर आज 2018 में आजादी के 75 साल वाले 2022 को याद करें तो आपको तकलीफ हो रही है कि मोदी 22 की बातें क्यों करता है। अब 80 में 21वीं सदी के गीत गाते थे, देश को दिखाते रहते थे और जब मेरी सरकार निर्धारित काम के साथ 2022 आजादी के 75 साल एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा, उसको लेकर के अगर काम कर रही है तो आपको उसकी भी तकलीफ हो रही है और किसानों की आय 2 गुना कर रहा। आप शंकाओं में इसलिए जीते हैं कि आपने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, छोटे मन से कुछ होता नहीं, छोटे मन से कुछ होता। आप किसान की आय 2 गुना करनी, क्या हम उसकी लागत में कमी नहीं कर सकते? सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा ये संभव हुआ है, सोलर पंप के द्वारा संभव हुआ है, यूरिया नीम कोटिंग के कारण संभव हुआ है। ये सारी चीजें किसान की लागत कम करने के लिए काम आने वाली चीजें हैं, ऐसे अनेक चीजों को हमने आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से किसान को अपने किसानी कारोबार के साथ हमने बम्बू का निर्णय किया, अगर वो अपने खेत के किनारे पर बम्बू लगाएगा और उस बम्बू का बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, आज देश हजारों करोड़ रुपए का बम्बू इंपोर्ट करता है। आपकी एक गलत नीति के कारण कि आपने बम्बू को ट्री कह दिया, पेड़ कह दिया और उसके कारण कोई बम्बू काट नहीं सकता था। मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान रहे, हम में हिम्मत है कि हमने बम्बू को ग्रास की कैटेगरी में ला कर रखा, वो किसान की आय बढ़ाएगा। अपने खेत पर किनारे पर अगर वो बम्बू लगाता है उसकी साया के कारण किसान को तकलीफ नहीं होती है, उसकी अतिरिक्त इनकम बढ़ेगी। हम दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रति पशु हमारे यहाँ दूध कम उत्पादन होता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। हम मधुमक्खी पालन पर बल देना चाहते हैं, आपको हैरानी होगी मधुमक्खी पालन में करीब करीब 40% वृद्धि हुई है, 40 मध एक्सपोर्ट करने में हुए और बहुत कम लोगों को मालूम होगा। आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर, इको फ्रेंडली लिविंग इस पे बल दे रहा है और इसलिए उसको केमिकल वैक्स से बच करके बी वैक्स चाहिए। आज पूरे दुनिया में बी वैक्स का बहुत बड़ा मार्केट है और हमारा किसान खेती के साथ मधुमक्खी का पालन करेगा तो बी वैक्स के कारण उसको एक उत्तम प्रकार का आय में भी बदलाव होगा। हम ये भी जानते हैं कि मधुमक्खी फसल को उगाने में भी एक नई ताकत देती है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं वो ये सारे काम, दूध उत्पादन हो, पोल्ट्री फार्म हो, फिशरीज हो, बाम्बू हो, वैल्यू एडिशन हो, ये सारी चीजें हैं जो किसान की आय को डबल करती है। हम जानते हैं जो लोग सोचते थे आधार कभी आएगा नहीं, आ गया,
उनको ये भी परेशानी थी कि जीएसटी नहीं आएगी और हम सरकार को दबोचते रहेंगे। अब जीएसटी आ गई तो क्या करें, तो नया खेल खेलो। ये खेल चल रहा है, कोई देश की राजनीति नेतागिरी देश को निराश करने का काम कभी नहीं करती। लेकिन कुछ लोगों ने इस काम का रास्ता अपनाया है। आज सिर्फ जीएसटी के कारण लॉजिस्टिक में जो फायदा हुआ है, हमारी ट्रक पहले जितना समय उसका जाता था वेस्टेज, जाम के कारण, टोल टैक्स के कारण, आज उसका वो बच गया और हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी को 60% डिलीवरी की ताकत नहीं आई है। जो काम